स्वागत है आपका IPL 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों सभी टीमें अपनी रिलीज प्लेयर की जो डिटेल है वो दे रही है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जहाँ पर दोस्तों RCB ने एक दो नहीं बल्कि 11 प्लेयर्स को जो है वो बाहर किया है, जिनमें कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखें, और बाकी टीमों की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी ऊपर के आई बटन पर। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक बार आप आई बटन पर जाकर सभी वीडियो को जरूर चेक करें। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले ही दो प्लेयर को बाहर किया था, जिनमें क्विंटन डिकॉक शामिल थे और शामिल थे मनदीप सिंह। और यहां पर 9 और प्लेयर के नाम दिए हैं, एक एक करके सभी प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेयर है दोस्तों ब्रेंडन मैककलम, उनके बाद यहां पर क्रिस वोक्स को भी बाहर किया है, कोरी एंडरसन को भी यहां पर बाहर किया है, सरफराज खान जिन्हें दोस्तों रिटेन किया था पिछले साल उनको भी यहां पर बाहर किया गया है, उनके बाद मुर्गन अश्विन को भी यहां पर रिलीज किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने मनन वोरा को यहां पर रिलीज किया, अनिकेत चौधरी को यहां पर रिलीज किया है, अनिरुद्ध जोशी को और पवन देश पांडे। ये है टोटल दोस्तों 11 प्लेयर जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रिलीज किया है। तो काफी बड़े बड़े नाम यहां पर शामिल है, क्विंटन डिकॉक को, मनदीप सिंह को, ब्रेंडन मैकलम को, क्रिस वोक्स, कोरी एंडरसन जैसे बड़े बड़े नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने जो है रिलीज किया है। अब अच्छा खासा यहां पर अमाउंट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास आ चुका है, जिससे वो IPL 2019 के ऑक्शन में यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपकी क्या राय है, क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सही किया इन प्लेयर को रिलीज कर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।